आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई है। बढ़ते खबरों की शुरुआत। भगवान परशुराम जयंती के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। समर्थ सहारा परिवार आपसे निवेदन करता है कि अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नरसिंहपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते क्वारंटाइन करने की गाइडलाइन है। शासन के कोरोना संदिग्ध के संपर्क में आए व्यक्तियों को क्वारंटाइन चिकित्सकों की सलाह पर किया जाता है। नरसिंहपुर से अमित भाटिया की विशेष रिपोर्ट। मीडिया पे खबर चल रही है कि पनावर चेक पोस्ट पे जब वो बॉडी आई थी तो लगभग 20 अधिकारी कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन किया गया था, जबकि मदनपुर चेक पोस्ट पे सर मात्र 3 लोगों को किया गया था। हाँ, जो होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन जो किया जाता है इंस्टीट्यूशन में, वो डॉक्टर्स की सलाह के बाद किया जाता है और इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि भाई कितने लोगों का उससे संपर्क हुआ है जो कि कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना है। तो जाहिर है कि वैसी स्थिति में निर्णय लिया जाता है। तो हर घटना में ऐसा जरूरी नहीं कि मदनपुर और चेक पोस्ट में कोई होड़ लगी हो कि मदनपुर में 20 किया है या पनागर में 20 किया तो मदनपुर में 20 करेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सर, अभी जो डीओ मनरेगा है रितु तिवारी, इनका क्या स्टेटस है सर, इनको होम क्वारंटाइन किया गया? पीओ मनरेगा रितु तिवारी जो है ये जबलपुर में थी, कुछ तबीयत इनकी ख़राब थी तो बीच में छुट्टी लेके गई थी, तब से जबलपुर में ही थी वो। हमने उनको आने के लिए परमिट नहीं किया था। 20 तारीख से मनरेगा के काम चालू हुए हैं तो मनरेगा के कामों पर निगरानी करने के लिए इनको जबलपुर से बुलाया गया है और इनको सलाह दी गई है कि घर पर रह कर ही काम करें। पूरा मनरेगा का पेमेंट से संबंधित है, ए एस से संबंधित है, सारे काम ऑनलाइन होते हैं, रिव्यू उसका ऑनलाइन होता है, मॉनिटरिंग उसकी ऑनलाइन होती है। तो उनको होम घर से काम करने की सलाह उनको दी गई है और नरसिंहपुर में जो उनका सरकारी मकान है उसमें उनको होम क्वारंटाइन पर रहने के लिए एडवाइस किया गया है। सर, मदनपुर चेक पोस्ट पर जिन लोगों का कल सम्मान हुआ उसमें पंकज मिश्रा जी और आप भी उसमें शामिल थे सर, क्या आप लोग भी क्वारंटाइन होंगे सर? नहीं, हमारे होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो केसवानी साहब जो आए थे उनके साथ पंकज जी का फर्स्ट कॉन्टैक्ट उनके साथ हुआ था, इसलिए एहतियात के तौर पर पंकज मिश्रा को जो है क्वारंटाइन किया गया।